अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएक्स ऑफिशियल। तो इसका जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, जो कि बिजली पैदा होती है जहाँ पे, और सारा का सारा जो है वो पानी के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे भी उन्होंने सेटअप लगाया हुआ है कि पानी का जो रुख है वो कंट्रोल करते हैं यहाँ से। तो आइए आपको मैं ऊपर चल के ये भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उन्होंने मोटर्स वगैरह लगाई हुई हैं कि पानी को कंट्रोल करने के लिए। ये देखें, ये उन्होंने पानी जो है कंट्रोल करने के लिए ये मशीनरी वगैरह लगाई हुई हैं कि जो पावर स्टेशन को, ये जब जो ये जो पानी जा रहा है ये सारा का सारा पावर स्टेशन को जा रहा है। इधर देखें, यहाँ से पानी कम भी करते हैं, मतलब कि पानी का जो प्रेशर है वो यहाँ से कम करते हैं। ये देखें, इस पे दिखाया हुआ है उन्होंने कि पानी का जो प्रेशर है यहाँ पे ये वाला है, ये देखें कितना प्रेशर है पानी का। तो यहाँ से वो पानी का जो भाव है वो कम भी करते हैं और ज़्यादा भी करते हैं। तो इसको दिखाने के बाद और अब हम चलते हैं पावर हाउस की तरफ। आ जाए, पावर स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और वो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि पावर स्टेशन वो आ गया है जो कि सारा का सारा पानी के ऊपर बना है। तो आपको हम वहाँ पे अंदर जा कर दिखाएँगे कि जो है वो बिजली जो है वो कैसे पैदा होती है। तो चलिए चलते हैं हम आगे। तो पहले आपको हम पानी का जो बहाव है जो पानी को कंट्रोल करके आगे जो है मशीनरी के थ्रू जाता है, बिजली पैदा करते हैं। तो पहले मैं आपको वहां से दिखाता हूं कि जो पानी का प्रेशर है वो कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आइए चलते हैं हम आगे। ये टरबाइन है, यहाँ पे वो टरबाइन पड़ी हुई है जो ना पानी के साथ ना बिजली जिनके साथ बनती है ना, ये वाली टरबाइन है। हाँ, जब इसके ऊपर पानी का बहाव गिरता है ना तो तब ये घूमता है प्रेशर के साथ। तो आगे ये ना डायनमो लगी होती है जिसके थ्रू बिजली आगे बनती है। ये इतने इतने बड़े लगे हुए हैं इसके नीचे, ये मेरा ख्याल है ये रिपेयर होने वाले होंगे या एक्सपायर हो गए होंगे। तो आ जाए आगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो पानी है आगे की तरफ जाता है, पावर हाउस स्टेशन की तरफ जाता है। और ये जो पौधे वगैरह आ रहे हैं इनको ना पीछे की तरफ रोकने के लिए उन्होंने ग्रिल वगैरह भी लगाई हुई है। तो ये भाई जो हैं ये इनको साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जितने भी पौधे वगैरह आगे आके रुकते हैं इनको रोकने के लिए यहाँ पे इन्होंने ग्रिल लगाई हुई है। तो ये भाई काम कर रहे हैं, ये इनको यहाँ से क्लीन करते हैं ताकि आगे पानी ना फ्रेश जाए, मतलब कि जो पानी है वो यहाँ से साफ़ हो के जाए, आगे कोई चीज़ ना जाए, क्योंकि मशीनरी वगैरह आगे लगी होती हैं तो फिर मसला आता है। इधर आए हैं आगे। ये आप देख सकते हैं इधर के जो है उन्होंने दरवाज़े वगैरह ही लगाए हुए हैं पानी को कंट्रोल करने के लिए। अगर इन्होंने बहाव जो है पानी का कम या ज़्यादा करना हो ना तो वो यहाँ से ना रोक देते हैं, नीचे कर देते हैं इन्हें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या उन्होंने लगाया हुआ है पानी का
इधर तो गिरने का भी बड़ा खतरा है। हाँ, मुझे लगता है इधर से ना रिपेयरिंग करने के लिए ना नीचे जाते होंगे, मशीनरी वगैरह जो ना रिपेयर करनी होती है ना, तो वो यहाँ से जाते हैं। आगे मशीनरी भी लगी हुई है, ये दिखाएं, नज़र आ रहा है। पानी को ना मैनेज करने के लिए ना मोटर्स वगैरह लगाई हुई है इन्होंने, तो अगर रिपेयरिंग का काम करना हो तो मेरा ख्याल है कि वो यहाँ से ही करते होंगे। वो भी दिखाएं मनान, कितनी खौफनाक जगह है यार। मुझे लगता है यहाँ पे उन्होंने मोटर लगाई हुई है, यहाँ से जो पानी आगे जाता है और आगे डायनमो लगी हुई है जिसके थ्रू आगे बिजली बनती है। ये देखिए ये मोटर चल रही है, ये दिखाएं आप ना, वो देखे नीचे ना डायनमो लगी हुई है, मेरा ख्याल है ये डायनमो ही है। ये देखें ये पानी आगे जा रहा है, दिखाएं इधर, इधर भी डायनमो चल रही है, इधर भी चल रही है ना, ये इधर दिखाएं ना, ये देखें पानी कैसे बहाव इसका आगे की तरफ जा रहा है। वो ना ऊपर भी मोटर्स वगैरह लगी हुई है इसकी। खराब हुई है, इस पे काम होगा तो ये भी चलेगी। फिलहाल यहाँ पे एक दो तीन और चार जो है ये चल रही हैं, एक जो है वो यहाँ पे बंद है। फिलहाल यहाँ पे जो काम हो रहा है इसलिए यहाँ पे उन्होंने बंद की हुई है, और आगे जो है वो बिजली को मेंटेन करने के लिए उन्होंने सेट बनाया हुआ है, वो ऊपर बैठ के जो बिजली है वो मैनेज करते हैं। आए यहाँ फाइनली गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग था वो यहाँ पे ख़त्म होता है, क्योंकि हमने आपको पावर हाउस का विज़िट जो है वो करवा दिया है। तो इसी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तो हम आपको नए नए जो व्लॉग है वो आपको दिखाएंगे, हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे, और आपको नई नई जगह है वहाँ का भी आपको हम विज़िट करवाएँगे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़।